हेलो फ्रेंड्स, टेक फॉर ऑल ऑफ यू में आज के टेक फॉर ऑल ऑफ यू के आज के इस वीडियो में आपका वेलकम है। और आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कैसे आप अपने नेबर्स या अपने फ्रेंड या अपने रिलेटिव या कोई भी अन्य आपके पास वाईफाई आ जाता है लेकिन आपको उसका पासवर्ड नहीं पता तो आप उससे कनेक्ट नहीं हो पाते और आप चांस करवा देते हैं कि आप फिर उसका इंटरनेट इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। या तो कोई आपको वाईफाई पासवर्ड नहीं बताता अगर आप उससे पूछें तो अब ऐसा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आपको उससे वाईफाई पासवर्ड पूछने की ज़रूरत नहीं है। आप बस अब मेरा तरीका अपनाइए और आप आराम से उसका वाईफाई पासवर्ड पता लगा सकते हैं। तो अगर आपको मेरे बाकी की वीडियो अच्छे लगे तो प्लीज़ वो देखिए, मेरे चैनल पर जाके बम शुरू कर सकते हैं। तो सबसे पहले जैसे आप देख सकते हैं मेरे पास एक वाईफाई आया पर मुझे उसका पासवर्ड नहीं पता। तो अब इस हाल में मैं क्या करूँगा उसका पासवर्ड पता लगाने के लिए? तो आपको करना क्या होगा, आपको सबसे पहले सीएमडी ओपन करना पड़ेगा अपने कंप्यूटर में। और अगर आप विंडोज 7, 8 और 10 वाले यूज़र हैं, एक्सपी और बैकसप के लिए भी 7, 8, 8.1 और 10 वाले यूज़र हैं तो आप इसे रन एज इट एडमिनिस्ट्रेशन करिए। फिर इसके ओपन होने के बाद आप इसमें टाइप करिए netshwlanshoeprofiles। तो आप इसमें टाइप करिए netshwlanshoeprofiles और फिर एंटर पर क्लिक कर दीजिए। ये आपको कमांड ही आपको डिस्क्रिप्शन में भी दी गई, आप कॉपी कर सकते हैं। और ये मुझे बता देगा मेरे आसपास जो भी अवेलेबल वाईफाई हैं उनके नाम, जैसे मेरे पास अवेलेबल वाईफाई अनलिमिटेड के नाम से वो बता देगा। तो अब मुझे इसका वाईफाई पासवर्ड पता लगाना है। तो आपको करना क्या होगा, आपको टाइप करना होगा netshwlanshoeprofiles। फिर आपको जिस भी वाईफाई का पासवर्ड पता लगाना है उसका नाम यहाँ पे टाइप कर दीजिए जो भी आपको यहाँ पे शो कर रहा हो। तो जैसे मुझे इसका वाईफाई पासवर्ड पता लगाना है, मेरे पास अभी एक ही शो कर रहा है तो मैं इसे कॉपी करके पेस्ट कर देता हूँ यहाँ पे। और फिर आपको लिखना है आगे की इज इक्वल्स टू क्लियर, की इज इक्वल्स टू क्लियर। आपको ये कमांड भी डिस्क्रिप्शन में दी गई है, आप उसे कॉपी कर लीजिए। और बस जहाँ पे मैंने लिख रखा है वाईफाई नेम ब्रैकेट में घर पर, वहाँ पे आप अपना जिस वाईफाई से कनेक्टेड होना चाहिए वो लिख दीजिए और फिर की इज इक्वल्स टू क्लियर, फिर एंटर दबा दीजिए। जैसा कि आप देख सकते हैं की कंटेंट, सबसे लास्ट में आपको सिक्योरिटी सेटिंग्स आएंगी। सिक्योरिटी सेटिंग्स उनमें 5 ऑप्शन होंगे, उनमें सबसे लास्ट ऑप्शन की कंटेंट। अब की कंटेंट्स का पासवर्ड ये है, ये मैंने इमेज ब्लर इसलिए कर रखी है ताकि आपको पासवर्ड पता ना चले, फ्रेंड्स ये करना पड़ता है। लेकिन ये इसका की कंटेंट है razzle123। अब इसका की मैंने इस पासवर्ड से ही रिमूव, इस वाईफाई से ही रिमूव कर दी। अगर आपको कभी अगर आपको डायरेक्टली बिना पासवर्ड पूछे या आपसे वाईफाई से कनेक्टेड हो जाए तो बढ़िया है, लेकिन अगर आपसे पूछे तो ये आपको जो की कंटेंट दिखाई दे रहा है इसमें पासवर्ड दिया इस कमांड प्रॉम्प्ट ने, तो आप वो एंटर कर दीजिए। मैं कोशिश करता हूँ कनेक्ट करने की। और जैसा कि आप फ्रेंड्स देख सकते हैं इंटरनेट एक्सेस, मुझसे इसने की नहीं पूछी। तो अगर आपसे पूछे भी है की टाइप करने को, जैसा कि आप देख सकते हैं कनेक्टेड हूँ, 43 Mbps अच्छी स्पीड है। जैसा कि आप कुछ लोग चांसेस गवा सकते हैं तो प्लीज़ आप देखता हूँ इसकी स्पीड कैसी है और ये वर्क भी कर रहा है कि नहीं। जैसा कि आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छी स्पीड है इसकी और ये वर्क भी कर रहा है और आपको वाईफाई का पासवर्ड पता चल चुका है। तो अगर आपसे वाईफाई पासवर्ड पूछे भी बिना कुछ कनेक्ट हो गया तो बढ़िया है, लेकिन आपसे पूछे तो की कंटेंट में जो आप की दिए, अगर कैपिटल लेटर्स में वो दिए तो आपको कैपिटल लेटर्स में लिया है, जो एक भी वर्ड कैपिटल दिया गया वो वैसा ही के वैसा लिखना पड़ेगा तभी इसमें जो की दी गई है वो काम करेगी। तो आप उसके थ्रू कनेक्ट हो जाइए और फ्री इंटरनेट इस्तेमाल करिए अपने फ्रेंड रिलेटिव या नेबर्स का। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियोज़ का। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें
और प्लीज़ 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 जो नए यूज़र्स हैं, नए व्यूवर्स हैं चैनल्स के, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए जिनने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा, ताकि आप हर दिन एक हिंदी में न्यू वीडियो पा सकें। जी हाँ दोस्तों, मैं हर एक दिन हिंदी में एक नई वीडियो अपलोड करता हूँ। ये मेरी चैनल लिंक है, आप इसके थ्रू जा सकते हैं। मेरा यूट्यूब पर नहीं लोगों और मेरी बाकी की वीडियो आपको अच्छी लगे तो मेरे जरूर देखिए। तो चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।